everyone, welcome back to my channel Commerce Edu Club. My name is Zeba Naz and मैं आज आपको बताऊंगी business finance के बारे में, उसका basic concept क्या है business का, then आपके उसके features क्या होते हैं business finance के. जो business finance है ना, वो दो शब्दों से बना है, business और finance. business का मतलब क्या होता है कि it refers to any activity performed for the purpose of earning profit. कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद क्या हो, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस. और फाइनेंस क्या हो गया, तो फाइनेंस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फंड इन ऑर्डर टू अचीव इट्स एप्रोप्रिएट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. यानी जब फंड्स को मैनेज करके अपने गोल्स को, अपने क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, जब कंपनी अचीव करना चाहती है या बिजनेस अचीव करना चाहती है, उसको हम लोग फाइनेंस कहते हैं. कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसको मशीन ख़रीदना है न्यू, बट उसको, उसके पास पैसे भी है बट वो एलोकेट नहीं कर पा रही, वो समझ नहीं पा रही है कि मुझे अभी रॉ मटेरियल्स की ज़्यादा नीड है या मशीन की ज़्यादा नीड है, तो ये अगर मैनेजमेंट नहीं होगा ना, तो मिसमैनेजमेंट होगा. मिसमैनेजमेंट होगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही नहीं पाएगी. तो ये है आपका बिजनेस फाइनेंस. तो बिजनेस फाइनेंस क्या क्या इंक्लूड करता है, तो बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड करता है प्लानिंग ऑफ फंड, कि कितना फंड चाहिए, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, और जो प्रॉफिट मिलता है उसको कैसे एलोकेट करें, और प्रॉफिट का एलोकेशन किस फॉर्म में होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी. तो बिज़नेस फाइनेंस को हम लोग अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो यही होता है कि पहले एक्विजिशन ऑफ फंड, कहाँ से एक्वायर करना है, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन होगा, और फिर उसको जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसको रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रखना है या डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को. तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब बिज़नेस जो है उसको फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो कोई भी बिज़नेस, सपोज़ अब मान लीजिए कि एक बिज़नेस शुरू करना है मुझे, मैं एक कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे बिज़नेस में सबसे पहले, बिज़नेस अगर मैं कॉस्मेटिक्स का कर रही हूँ तो मुझे चाहिए कॉस्मेटिक्स, मुझे चाहिए जो भी लगता है फाउंडेशन, प्राइमर, ये सब तो मुझे ख़रीदना होगा, उसको मुझे होलसेल से ख़रीद के रिटेल में बेचना है, ठीक है, ताकि मुझे मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं. तो मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं करूंगी, अपने बिज़नेस को शुरू करूंगी. तो ये हो गया स्टार्ट करने के लिए मुझे फाइनेंस चाहिए होगा. फिर उसको कंटिन्यू भी तो करना है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे, मेरे पास पैसा आ गया, मैं ख़रीद ली, उसको मैं बेच दी, उसको हो गया काम ख़त्म, तब तो मेरा बिज़नेस ठप हो जाएगा. उसके लिए क्या होगा कि उसको कंटिन्यू करने के लिए भी जो मुझे बार बार पैसा चाहिए, मुझे बार बार फाइनेंस की नीड चाहिए. उसके बाद होता है कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसको अगर मैं अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगी उसमें तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, कम करूँगी तो कम होगा. तो ये एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंस. तो इसलिए भी किसी भी फाइनेंस, मतलब किसी भी बिज़नेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है. बताऊँगी नेचर ऑफ बिज़नेस फाइनेंस. तो फाइनेंस क्या है, फाइनेंस लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस है. जैसे इंसान को की रिक्वायरमेंट होती है, इंसान को ब्लड, इंसान ब्लड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका जो ब्लड है वो लाइफ है, बिना लाइफ, बिना ब्लड के वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. उसी की तरह जो बिज़नेस है ना, उस वो बिज़नेस का जो फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड है, ठीक है, उसके बिना फाइनेंस के बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि उसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होता है, उसको बढ़ाने, ग्रोथ करने के लिए ज़रूरत होता है, हर चीज़ के लिए ना फाइनेंस की ज़रूरत होती है. तो यहाँ भी यही है कि फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, नो मैटर वेदर द बिजनेस इज स्मॉल और लार्ज, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, दस इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस. तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिज़नेस जो है वो छोटा है या बड़ा. एक क्या कहते हैं, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी फाइनेंस चाहिए होता है, एक गोलगप्पे वाले को भी फाइनेंस चाहिए होता है अपने बिज़नेस के लिए. फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ पे सिर्फ बेचना खरीदना हो, जो मैं कॉस्मेटिक शॉप की बात कर रही थी, या फिर उसको प्रोड्यूस भी करना हो, तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए. इसीलिए इसको लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिज़नेस कहा जाता है. दूसरा फीचर्स है, इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड, ठीक है, जो फंड्स का एस्टिमेशन होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है
प्लानिंग ऑफ फंड जो मैं बताई थी आपको कि फाइनेंस क्या होता है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ फंड इन ऑर्डर टू अचीव इट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। तो जब हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या चाहिए, कितना फ़ंड का रिक्वायरमेंट होगा, कहाँ कहाँ से फ़ंड आएगा, तो मतलब उसके बिना तो ये उसका फीचर्स है कि उसको फैसिलिटेट करता है एस्टिमेशन ऑफ फंड्स, यानी उसको कितने फंड की ज़रूरत है, किस किस फॉर्म में ज़रूरत है, ठीक है, वो उसको एस्टिमेट करता है। यही है, इट इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ फंड, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ का फाउंडेशन है ये, ठीक है। बिना बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो रन नहीं करेगी, ठीक है, वेदर इट इज़ अ परचेजिंग, वेदर इट्स अ प्रोडक्शन और अ मार्केटिंग, ठीक है। जब कुछ खरीद देते हैं कंपनी के लिए, उसके लिए भी ज़रूरत होती है, कुछ प्रोड्यूस करना होता है उसके लिए भी चाहिए, सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये उसका नेचर है कि इट्स अ फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी बिना बिजनेस फाइनेंस के बिजनेस एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है, ये उसके निर्माता है। फोर्थ मेरा नेचर है कि अमाउंट ऑफ फंड्स डिफर, ठीक है, अमाउंट ऑफ फंड डिफर कर सकता है, ठीक है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस अगर छोटा है तो उस हिसाब से फ़ंड लगेगा, बड़ा है तो उसके हिसाब से लगेगा। एक ये भी हो सकता है कि इस साल कुछ और फंड लगा हो, अगले साल उसको और ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत हो, तो अमाउंट ऑफ फंड डिफर, ठीक है, डिफर कर सकता है, अलग हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने बताया कि वो छोटा हो या बड़ा उस पर डिपेंड करता है, तो उसका नेचर क्या है, कौन क्या वो बना रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसका साइज़ क्या, वो बड़ा है तो उसको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है, छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ंड की ज़रूरत होती है। मेरा फिफ्थ नेचर है, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स। बिजनेस फाइनेंस में ना, बिजनेस में हर टाइप के फंड की ज़रूरत होती है, हर जगह से फंड एक्वायर किया जाता है, वो कोई एक सोर्स नहीं होता, डिफरेंट सोर्सेज से फ़ंड एक्वायर होता है, तो उसमें हर टाइप का फ़ंड को हम लोग इंक्लूड करेंगे, जो जहाँ जहाँ से मतलब बिजनेस एक्वायर कर रही है फ़ंड को, वेदर इट इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, लोन्स, डिबेंचर, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होता है, तो शेयर कैपिटल मैं पहले भी बताई हूँ, शेयर कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी को छोटे छोटे, उसकी जो कीमत होती है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया जाता है, उस छोटा सा टुकड़ा शेयर होता है, और कोई इन्वेस्टर्स जब उस शेयर को ख़रीदते हैं तो उसके बदले में वो पैसा देते हैं, जो कंपनी वो पैसा कमाती है वो होता है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये बैंक लोन, तो बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है, डिबेंचर भी एक तरीके का बॉन्ड होता है। ये सब सारे एग्जांपल्स हैं इसके कि ये क्या कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से फंड्स एक्वायर करता है बिजनेस। सिक्स, इसका नेचर ये है कि अवेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फंड, तो उससे क्या होगा, जब फंड मैनेज होगा ना तो सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल होगा, मतलब जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में वो अवेलेबल होगा बिजनेस को कैरी करने के लिए, उसके ऑपरेशंस जो है, बिजनेस ऑपरेशंस दैट इज़ कुछ भी हो सकता है, पेइंग रेंट, रिपेयर, सैलरी, वेजेस, ये सारे बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में भी सारे अवेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो ये सारे इसके नेचर्स हैं। इसी के साथ मेरा आज का क्लास ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर